तो हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइट एप एम्बेडेड हेडशॉट ट्यूटोरियल की। अगर इस ट्रिक को यूज़ करके आप बहुत ही खतरनाक वाले इन स्कोप ऑटो हेडशॉट मार सकते हो, जो कि बहुत ही देखने में डेंजरस लगता है। तो इस ट्रिक में आखिर होता क्या है कि आपका एम अचानक से ओपन होता है और एनिमी के हेड के ऊपर लॉक होकर एनिमी को ओनली रेड नंबर लगता है, जो कि देखने में बहुत ही खतरनाक वाला लगता है। तो इस ट्रिक को आज की इस वीडियो में रिवील करने वाले, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर इस ट्रिक को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने एम को एनिमी के हेड के हमेशा लेवल पर रखना होगा। आप चाहे राइट पे भी रख सकते हो, आप चाहे लेफ्ट पे भी रख सकते हो, बस आपको अपने एनिमी के हेड के लेवल पे रखना है। उसके बाद आपको स्कोप बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी यार स्कोप बटन तो आप पहचानते ही होंगे। एंड देन आपको अपने लेफ्ट फायर बटन के ऊपर क्लिक करके अपने स्क्रीन को राइट साइड की तरफ या फिर लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है, कुछ इस तरह से, जहां पर एनिमी का हेड रहेगा। और एनिमी के हेड के ऊपर ऑटोमेटिकली आपका एम जाकर लॉक हो जाएगा और एनिमी को लगेगा हेडशॉट। अब फिर एग्जांपल के तौर पे आप इस वीडियो क्लिप को देख सकते हो। यहाँ पर देखो, मैंने स्कोप ऑन किया, उसके बाद अपने फायर बटन के ऊपर क्लिक करते करते अपने स्क्रीन को लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया और एनिमी के हेड के ऊपर किस तरह से एम जाकर लॉक हो गया, बहुत ही खतरनाक वाला लॉक हुआ। अब मैं आपको हैंड कैम के साथ समझा देता हूँ कि यार आपको इस ट्रिक को किस तरह से एक्टिवेट करना है। यहाँ पर देख सकते हो, मैंने कुछ इस तरह से स्कोप इन किया और ऑटोमेटिकली मेरा एम जो है एनिमी के हेड के ऊपर जा रहा है, कुछ इस तरह से। उसके बाद मैं यहाँ पर लेफ्ट फायर बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ एंड देन स्कोप आउट कर दे रहा हूँ। तो इसी ट्रिक को आपको बहुत ही स्पीड में फॉलो करना है। और एक चीज का ध्यान देना, अगर आप अपने एम को राइट साइड की तरफ या फिर लेफ्ट साइड की तरफ जब भी मूव कर रहे हो, तो यार आप अगर टेढ़ा मूव करोगे ना, तो वो एनिमी के हेड के ऊपर नहीं जाएगा, आपका एम चला जाएगा एनिमी के बॉडी के ऊपर, कुछ इस तरह से। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, हमेशा आपको अपने एम को सीधा एकदम स्ट्रेट आपको ड्रैग करना है राइट या फिर लेफ्ट, उसके बाद ही एनिमी के हेड के ऊपर जाता है एंड देन आपको लेफ्ट फायर बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अरे अरे भाई, रुको रुको, अभी कहां जा रहे हो भाई, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मिस्टेक के बारे में जान लो। अगर इस ट्रिक को करते टाइम आपको कुछ मिस्टेक्स का भी ध्यान देना पड़ेगा। अब यार मिस्टेक ये है कि यार आपको कभी भी अपने कैरेक्टर को एनिमी से बहुत ही ज़्यादा दूर में रखने के बाद इस स्टिक को एक्टिवेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग रेंज के अंदर इस स्टिक को एक्टिवेट करोगे, देन आप एकदम बहुत ही रेयरली इस स्टिक को एक्टिवेट कर पाओगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट रेंज के अंदर आके इस स्टिक को एक्टिवेट करते हो, देन आपका हर एक गोली एनिमी के हेड के ऊपर जाएगा ही जाएगा। आप लोग एग्जांपल के तौर पे इस वीडियो क्लिप को देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लॉन्ग रेंज के अंदर ट्राई किया इसे एक्टिवेट करने के लिए, बट ये ट्रिक एक्टिवेट नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैं शॉर्ट रेंज के आकर यहाँ पर एक्टिवेट करता हूँ, तो यार देखो एम जाकर एनिमी के हेड के ऊपर ही लॉक हो रहा है। अगर बात कर लेते हैं बोनस ट्रिक की, तो भाई यार अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो वो ग्रे हो जाएगा। तो इस ट्रिक को यूज़ करके देख भाई। सो या वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। यार आज की वीडियो का लाइक एम रखते हैं ओनली 200 लाइक। एंड अगर आपको हैंड कैम के साथ रोटेशन डैगर शॉट ट्रिक के बारे में जानना है, तो इस वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाओ जाकर क्लिक करके देख लो।